हेलो एवरीवन, आज हम मुंबई का बहुत ही फेमस बॉम्बे मसाला सैंडविच बनाएंगे। इसके साथ हम एक स्पेशल तीखी चटनी भी बनाएंगे। ये स्ट्रीट स्टाइल आलू वेज सैंडविच का एकदम अलग फ्लेवर आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चटनी तैयार करेंगे। एक मिक्सी जार में थोड़ा सा पुदीना लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, 5-6 लहसुन की कलियां, 2 टेबलस्पून नारियल का चूरा जो कि मार्केट में मिलता है, आप इसकी जगह फ्रेश नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, स्वादानुसार नमक, 2 टेबलस्पून नींबू का रस, 3 हरी मिर्च जिनको कि हमने 2 भागों में काटा हुआ है। अब हम इनको पीस कर चटनी बना लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी तैयार हो गई है। इसको एक बोल में डाल लेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल हरी धनिया और पुदीने की चटनी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने गैस पर एक पैन ले लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लेंगे और इसको गर्म करेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून राई डालेंगे, थोड़े से करी पत्ते और इनको 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो ना डालें। इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसको भी थोड़ा भून लेंगे। अब हम इसमें 2 बड़े बॉइल्ड आलू डालेंगे जिनको कि हमने छोटा छोटा मैश किया हुआ है, स्वादानुसार नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इनको 2-3 मिनट के लिए दबाते हुए मैश करते हुए भूनेंगे। अब इसमें 1/2 नींबू का रस डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमारे सैंडविच के लिए आलू का मिक्सचर तैयार हो गया है। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब हम अपने सैंडविच बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब हम ब्रेड पर बटर लगाएंगे। यहाँ पर हम घर का बटर यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो मार्केट का बटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 ब्रेड स्लाइस पर बटर लगा लिया है। अब हम बटर लगे स्लाइस पर हरी चटनी लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर जो हमने आलू का मिक्सचर तैयार किया है उसको लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर टमाटर के स्लाइस रखेंगे, खीरे के स्लाइस, थोड़ी सी लंबाई में कटी हुई प्याज लगाएंगे। अब हम इनके ऊपर चाट मसाला और काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। अब हम ब्रेड की बाकी बची दोनों स्लाइसों पर भी बटर लगाएंगे। हरी चटनी, के ऊपर चीज़ स्लाइस रख देंगे। आप प्रोसेस्ड चीज़ ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब ब्रेड की दूसरी स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। अब इनके ऊपर भी हम बटर लगा देंगे। सैंडविच के दूसरी साइड भी हम बटर लगा देंगे। यहाँ हमने ग्रिल पैन को गैस पर गर्म कर लिया है। सैंडविच को इसके ऊपर रख देते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। आप चाहें तो इसको नॉर्मल तवे पर या सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं।
हमारे सैंडविच को सिकते हुए 2-3 मिनट हो गई हैं। अब हम इसको पलट देते हैं। देखिए हमारा सैंडविच एक तरफ से सिक गया है और इसे दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये देखिए हमारा सैंडविच दोनों तरफ से सिक के तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम अपने दूसरे सैंडविच को भी तैयार कर लेंगे। चलिए हम सैंडविच को कट कर लेते हैं। ये देखिए सैंडविच की फिलिंग कितनी अच्छी लग रही है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। ये मुंबई का स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच आप ज़रूर ट्राई करें। आपको और बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।